आज उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मना रहा है और सीएम योगी ने इस मौके पर ओडीओपी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ओडीओपी आत्मनिर्भर भारत में निभाएगा अहम भूमिका। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 से 26 जनवरी तक पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। बुधवार को लखनऊ में समारोह का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का केंद्र बिंदु बन रहा है। उन्होंने प्रदेश के स्थापना दिवस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आगे बढ़ाने का माध्यम बताया। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं कि भारत का हृदय स्थल कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु अत्यंत प्राचीन काल से ही रहा है। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत उत्तर प्रदेश से होकर के बहती है। 24 जनवरी 2018 को प्रदेश का पहला स्थापना दिवस मनाया गया। इस बार सातवां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस बार ये और खास इसलिए बन गया है क्योंकि भगवान राम 500 साल बाद अपनी नगरी में विराजमान हुए। यूपी दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आध्यात्म ज्ञान और शिक्षा की तपोभूमि उत्तर प्रदेश के अपने सभी परिवारजनों को राज्य के स्थापना दिवस की अनेकानेक शुभकामनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी यूपी वासियों को बधाई दी। उत्तर प्रदेश दिवस पर राज्य के सभी निवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। देश में सबसे अधिक आबादी वाला ये राज्य भारत की सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। बता दें कि 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के रूप में नोटिफिकेशन जारी हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।